मुफ़्तकवि की दीनी खिदमात के हवाले से अगर सवाल किया जाए तो शायद उनके बारे में मालूमात फराहम करने वालों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है, लेकिन अगर बात हो मौसूफ़ के मुतनाज़ा बयानात, कंट्रोवर्शियल सेल्फीज और मुखरबुल अखलाक हरकतों की तो शायद उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, ये वही मुफ्ती अब्दुल कवि हैं जो रोयते हलाल कमेटी के रुकन रहे, पीटीआई की कमेटी के रुकन रहे और फिर उसके बाद कंदील बलोच कत्ल केस में चंद महीने हवालात में भी रहे, लेकिन लगता है कि उन्होंने अपनी माजी की गलतियों से कोई सबक हासिल नहीं किया। चुनाचे जब कंदील बलोच कत्ल केस में उनकी जमानत पर रिहाई हुई तो उसके कुछ अरसे बाद उनकी एक और मुतनाज़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अपने अब्दुल कवि की हरकतों के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी आपको करवाना जरूरी समझते हैं कि अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए। दोस्तों, हमने अपनी वीडियो की शुरुआत में ये कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवि ने अपनी माजी की गलतियों से शायद सबक नहीं सीखा। यहाँ पर हम अपनी तसदीक करना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ न कुछ सबक जरूर सीखा है। अगर उनकी माजी की मुतनाज़े वीडियो देखी जाए तो हसीनाओं के साथ पहलू में बैठे होते थे और उनसे हाथ मिलाने और उनको गले लगाने से भी गुरेज नहीं करते थे। मगर अब जो उनकी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें हम देख सकते हैं कि एक हसीना मुफ्ती अब्दुल कवि के इर्द गिर्द बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह गा रही है और नाच रही है। अगरचे मुफ्ती अब्दुल कवि उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख तो रहे हैं, मगर वो इतने मोहतात जरूर हो गए हैं कि उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध रखे हैं और बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे, ताकि कल कलां को उन पर कोई इल्जाम न धर दिया जाए कि उन्होंने यहाँ पर भी दस्त दराजी की या कोई नजेबा हरकत करने की कोशिश की है। दोस्तों, अब इस नई वीडियो में मुफ्ती साहब के दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है, मगर ये हसीना अपने दिल का हाल जरूर गागा कर बयान कर रही है। वो साफ अल्फाज में मुफ्ती साहब की तरफ कभी प्यार भरी नजरों से देखती है और कभी उनके कंध पर सर रखकर ये कह रही है कि अभी तो शाम है, ये पहला जाम है, रात भर जाम से जाम जरूर टकराएगा। अब अगर इस वीडियो को लेकर मुफ्ती साहब पर तनकीद का सिलसिला शुरू किया जाए तो उनका साफ जवाब तो ये होगा कि वो इन मोहतरमा से भी तबलीग के सिलसिले में शायद मिलने गए थे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई सवाल करना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो जरूर बताइए कि क्या मुफ्ती साहब का ये इकदाम दुरुस्त था कि एक नौजवान लड़की नामुनासिब लिबास में उनके इर्द गिर्द नाच गा रही है और वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ यूं देख रहे हैं जैसे उसके हमराज और महरम हैं। अगर मुफ्ती अब्दुल कवि किसी नेक मकसद की खातिर भी इस हसीना से मिलने गए थे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस मौके पर उनका तर्ज अमल क्या होना चाहिए था जब वो लड़की बिल्कुल आजाद ख्याली के साथ नजेबा अल्फाज में उनके इर्द गिर्द नाच गा रही है और वो बिल्कुल बुत बने उसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे हैं। अगर मुफ्ती अब्दुल कवि अपनी इस नई वीडियो पर किसी पूछगिछ या किसी पकड़ में आते हैं तो ये पहला मौका नहीं होगा कि जब उन पर तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ हो। एक जमाना था कि अच्छे भले मुफ्ती अब्दुल कवि रोयते हलाल कमेटी के मुअज्जज रुकन हुआ करते थे और उन्हें तहरीक इंसाफ की मजहबी कमेटी में भी जगह हासिल थी, मगर फिर ये हुआ कि कंदील बलोच से एक तन्हाई में मुलाकात की उनकी चंद सेल्फीज वायरल हो गई और उसके बाद उनकी तनजुली का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, ये बात है जून 2016 की। मुफ्ती अब्दुल कवि उस वक्त रोयते हलाल कमेटी के रुकन थे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उन्हें बाकायदगी से मजहबी प्रोग्रामों में शिरकत के लिए बुलाया जाता था। जून 2016 में एक टेलीविजन प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती अब्दुल कवि ने कंदील बलोच को कराची आने की दावत दी और इसके बाद जब उन दोनों की कराची में मुलाकात हुई तो कंदील बलोच ने उनके साथ कुछ तस्वीरें ले ली जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उन नामुनासिब तस्वीरों पर लाखों लोगों ने शेयर करते हुए कमेंट्स भी किए और मुफ्ती अब्दुल कवि को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया और उसकी वजह से उनकी रोयते हलाल कमेटी की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। उस वक्त कंदील बलोच ने मुफ्ती अब्दुल कवि पर दस्त दराजी का इल्जाम लगाया और उनसे कहा कि मुलाकात के दौरान मुफ्ती कवि ने कई बार उनसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश की, उन्होंने कंदील बलोच को गले लगाने और बोसा लेने की भी कोशिश की। कंदील बलोच का कहना था कि शोबिज की लड़कियां थोड़ी बोल्ड होती हैं, बाज़ुकात ये चीज ठीक भी लगती है। उस वक्त वो मौलाना साहब को हंस हंस कर मना करने की कोशिश करती रही, लेकिन कंदील बलोच का कहना ये था कि मौलाना कवि खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे और वो उसके करीब सिरकते जाते थे और अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगे रहते थे। कंदील बलोच का कहना था कि मुफ्ती अब्दुल कवि ने उस वक्त उनसे कहा कि अपनी जिंसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाह जायज है और उन्होंने बताया कि उनकी सिर्फ एक बीवी है लेकिन उन्होंने 17 निकाह किए हुए हैं।
कंदील के मुताबिक मौलाना कवि ने उनसे कहा था कि वो अच्छा कमाते हैं और मुल्तान में जमीनें भी रखते हैं, अगर कंदील रोज की माली हालत कुछ अच्छी नहीं है तो वो इस सिलसिले में उसकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कंदील बलोच के ये इल्जाम पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैले और ज्यादातर लोगों ने मुफ्ती अब्दुल कवि ही को कसूरवार ठहराया कि अगर इस पूरे मामले में कंदील बलोच झूठ भी बोल रही है तो मुफ्ती अब्दुल कवि को क्या जरूरत पड़ी थी कि ऐसी इखलाक बाख्ता औरत के साथ तन्हाई में मकाते करने पहुँच गए। अगरचे उस वक्त मुफ्ती अब्दुल कवि ने इन तमाम बातों को सख्ती से रद्द कर दिया और इन इल्जाम की तरदीद भी की थी और वक्ती तौर पर मामला रफा दफा भी हो गया, लेकिन असल इशू तब उठा जब कंदील बलोच को कुछ अरसे के बाद रात में सोते वक्त कत्ल कर दिया गया और उसके कातलों में मुफ्ती अब्दुल कवि का भी नाम आ गया। मुफ्ती अब्दुल कवि को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया और उनका झूठ पकड़ने वाली मशीन पर पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया जिसमें उनके बयानात में तजादात सामने आए। मुफ्ती कवि ने उस वक्त मॉडल कंदील बलोच के कत्ल में किसी भी तौर पर मुलव्वस होने से साफ इनकार किया था, ताहम मशीन ने इनकार को यकसर झूठ करार दे दिया। इसके अलावा टेस्ट के दौरान पूछे गए बुनियादी सवालात के जवाब भी उनके बयान से मुमासलत नहीं रखते थे। उनसे पूछा गया कि क्या वो कंदील बलोच से मिलने अकेले गए थे। इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल कवि से ये भी पूछा गया कि क्या वो रोजे की हालत में है या नहीं। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद मुफ्ती अब्दुल कवि के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद सख्त उस वक्त हो गया जब फोरेंसिक टेस्ट के दौरान उनके मोबाइल फोन में कुछ मुबैना गैर इखलाकी वीडियो भी पाई गयी, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवि जेल में हिरासत के दौरान इन तमाम बातों से मुसलसल इनकार करते रहे और आखिरकार अदालत ने नाकाफी सबूतों की बिना पर उनको जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आशिकी में इज्जत सादात भी गई। इस पूरे मामले में मुफ्ती अब्दुल कवि को अपनी हरकतों की वजह से रोयते हिलाल कमेटी के रुकन की हैसियत से भी हाथ धोना पड़ा। इसके साथ साथ टेलीविजन प्रोग्रामों में भी उनको मजहबी रहनुमा के तौर पर भी बुलाना छोड़ दिया गया और उनको PTI से भी निकाल दिया गया, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवि गालिबन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। चुनाचे सबसे पहले तो उन्हें एक मुतनाजा वीडियो फतवे पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट निकाह यानी वक्ती तौर पर टाइम बाउंड रिलेशनशिप रखने की हिमायत की और कहा कि इस जदीद जमाने में गुनाह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट निकाह को जायज करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं 21वीं सदी में तमाम नौजवानों तक ये अपना पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम उन्हें इस चीज की इजाजत देता है कि शादी सिर्फ एक होगी, लेकिन अगर वो किसी मोहतरमा के साथ किसी भी किस्म का कोई मुआयदा करते हैं तो वो मुआयदा निकाह ही कहलाएगा और ऐसा कोई भी मुआयदा हलाल और जायज होगा। बहरहाल मुफ्ती अब्दुल कवि के जहन में तो जो चल रहा था सो चल रहा था। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप उनकी इस राय से किस कदर इत्तफाक या इख्तलाफ करते हैं। क्या उनकी ये राय बिल्कुल ठीक है? इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल निकाह किया जाए यानी उसकी कोई एक्सपायरी डेट रख दी जाए और कुछ दे दिलाकर कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया जाए, या फिर हमें ये बताएं कि मुफ्ती अब्दुल कवि को इस मुतनाजा फतवे पर जो लोगों ने तनकीद और तान का निशाना बनाया वो बिल्कुल दुरुस्त था। और ख्वातीनो हज़रात, आप मुफ्ती अब्दुल कवि की रविश तो देखिए कि कंदील बलोच कत्ल केस और ये मुतनाजा फतवे से उठने वाली गर्द अभी थमी नहीं थी कि उनकी एक और मुतनाजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई है जिसमें एक नौजवान लड़की उनके इर्द गिर्द नाच गा रही है और उन्हें मुखातिब करते हुए कह रही है कि रात भर जाम से जाम टकराएंगे, और मुफ्ती अब्दुल कवि बिल्कुल बुत बने सीने पर हाथ बांधे उसे प्यार भरी नजरों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे हैं। अब अगर उनकी ये बात मान भी ली जाए कि वो इस मोहतरमा से सिर्फ और सिर्फ किसी नेक मकसद की खातिर मिले भी थे तो क्या उनका ये तर्ज अमल दुरुस्त था? दोस्तों, हमारे सामने मौलाना तारिक जमील, मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई या जाकिर नायक जैसे ऐसे स्कॉलर्स की मिसालें मौजूद हैं जो दावत दीन और तबलीग इस्लाम के सिलसिले में दुनिया के हर कमाश और हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमेशा एहतराम और इज्जत का फासला जरूर बरकरार रखते हैं। कभी इन लोगों के बारे में ऐसी वीडियो नहीं आई जिसमें किसी औरत ने या किसी शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की मुकर्रर की गई हदों को क्रॉस करते हुए उनसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश की हो। तो आखिर क्या वजह है कि हमेशा मुफ्ती अब्दुल कवि ही ऐसी औरतों का निशाना बनते हैं, चाहे वो कंदील बलोच हो या फिर ये नई मोहतरमा जो उनके इर्द गिर्द कभी प्यार से उनके कंध पर सर टिका लेती है और कभी उनका हाथ थाम लेती है। बहरहाल ये नई वायरल होने वाली वीडियो भी मुफ्ती अब्दुल कवि के किरदार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर छोड़ गई है और इसकी वो जिस कदर चाहे वजाहतें देते फिरे, लगता तो यूं ही है कि वो लोगों को मुतमईन नहीं कर सकेंगे क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत भड़के हुए हैं और उनको सख्त तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं।
बहरहाल हम तो यही तजवीज़ कर सकते हैं कि बजाय कोई फैसला सादर करने के आप भी खामोश तमाशाई बनकर देखिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। यहीं पर अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अलविदा करने से पहले एक याद दहानी भी करवा दें कि अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। जल्द कोई और मालूमती वीडियो लेकर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।